राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PR जिद्दी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल जो वीडियो थी उसके रिमेनिंग पॉइंट, पीयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो वीडियो थी हमारी कल, उसके जो रिमेनिंग पॉइंट हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी ना तो जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पे आइए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो आप हर एक चीज़ क्लियर नहीं कर पाओगे, इस वीडियो से रिलेट नहीं कर पाओगे। तो वैसे कर सकते हो, या पहले आप इसको देख लो या फिर उसको देख लो। मेरे हिसाब से पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए और फिर इसको देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो जाइए फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी पोस्ट अपलोड करता हूँ, बिहाइंड द सीन भी अपलोड करता हूँ और कुछ क्वार्ट्स भी अपलोड करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमारे 4 पॉइंट हो चुके थे, तो अब 5th पॉइंट है कि डीप ब्रीथिंग। देखो, अगर आपकी स्पीच डिलीवर करने वाले हो उससे पहले 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट पहले डीप ब्रीथ करो। उससे क्या होगा कि आपके थॉट, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो एक जगह एकत्रित हो जाएगा। और एक जगह एकत्रित हो जाएगा ना, आपके विचार एक जगह मतलब सही तरीके से हो जाएंगे। और एक बार वो सही तरीके से हो गए तो आप सही तरीके से उनको डिलीवर भी कर सकते हो। डीप ब्रीथिंग करना है आपको। जब भी आप स्पीच डिलीवर करने वाले हो, आपको घबराहट हो रही होगी, आपके हाथ कांप रहे होंगे, आपके पैर कांप रहे होंगे स्पीच देने से पहले, तो आपको करना क्या है कि डीप ब्रीथिंग, सुपरमैन पोस्चर में डीप ब्रीथिंग करनी है आपको। उससे क्या होगा कि आपके विचार कंप्लीटली एक जगह हो जाएंगे और आपका जो डर है, आपके हाथ कांप रहे होंगे, वो हट जाएंगे। ठीक है, आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। 5th पॉइंट, 6th पॉइंट है हमारा, फॉर्म अ पिक्चर एंड डोंट मेमोराइज होल द स्क्रिप्ट। आप एक पिक्चर तैयार कर लो अपने दिमाग में, एक पिक्चर तैयार कर लो। उससे क्या होगा कि आप एक बार पिक्चर तैयार कर लोगे ना, इसके पहले मुझको ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, सब लास्ट में जाके ये बोलना है, और लास्ट में जाके मुझको थैंक यू बोलना है। पहले सबसे सबको जाके गुड मॉर्निंग बोलना है और फिर लास्ट में मुझको थैंक यू बोलना है, और बीच में जो भी आपको बोलना है वो बोल देना है। ठीक है, तो आपने पूरी तैयारी कर ली है, और अगर आप पूरी स्क्रिप्ट को तैयार याद करने की कोशिश करोगे तो आप जो भी कर रहे हो ना, पूरी स्क्रिप्ट को तैयार करने की सोच रहे हो, अरे मुझको ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, तो आप कम्प्लीटली तैयार नहीं होगे और आपकी स्पीच को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाओगे। और भूल गए तो आपकी बेइज्जती धोगी, तो वो बेइज्जती का मामला नहीं है। देखो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कंप्लीट होते जाओगे, उतनी ज़्यादा तैयार होते जाओगे, उतनी ज़्यादा सही तरीके से बोलने के लिए तैयार रहोगे। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको तैयार रहना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, और आपको तैयार इसलिए होना है कि आपको एक शानदार स्पीच देनी है। और जो स्पीच लोग हमेशा के लिए याद रखें, जब आपको लोग जहाँ भी जा रहे हो ना, तो आपको उस स्पीच के थ्रू रिमेम्बर याद करें कि भाई साहब, भैया को मैं तब मिला था जब उन्होंने वहाँ पे स्पीच दी थी। तो इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको पूरी स्क्रिप्ट याद नहीं करनी, आपको दिमाग में एक पिक्चर फॉर्म करनी है कि मुझको ये बोलना है, फिर इसके बाद ये, और फिर ये, और फिर ये, और ऐसे करके आप मुझको मेरी स्पीच एंड करनी है। तो उसके लिए आप तैयार रहो, ठीक है। 7th टॉपिक है अपना कि शिफ्ट योर फोकस। अगर आप जैसे कि आपको डर लग रहा है, या फिर आप बोल रहे हो कि ये मुझको ही क्यों देख रहा है, अगर आप स्पीच दे रहे हैं वहाँ पे जाके, और आप सोच रहे हो कि अब तो मेरी इज्जत गई, अब मैं भूल रहा हूँ, तो उसको आपका शिफ्ट फोकस करो कि अगला वर्ड मुझको क्या बोलना है, अगला क्वार्ट्स क्या बोलना है, अगली शायरी क्या बोलनी है मुझको। तो इसको आप तैयार रहो। और अगर आप सोचोगे
अगर आप आपकी ओवर थिंकिंग करोगे तो ओवर थिंकिंग से क्या होने वाला है कि आपके सारे विचार मिक्सअप हो जाएंगे और उसके बाद आपको ध्यान नहीं रहेगा कि पहले मुझको ये बोलना है, पहले मुझको ये बोलना है, तो इसमें आप कन्फ्यूज़न में पूरी मिक्सअप हो जाएगा और आपकी स्पीच ख़राब हो जाएगी। तो आपको वो नहीं करना है, आपको शिफ्ट करना है आपका फोकस एक जगह से दूसरी जगह पर, एक थॉट से दूसरे थॉट पर जो आप बोलने वाले हो। अगर आप उस फोकस को एक जगह से दूसरी जगह सही तरीके से डिलीवर करने के लिए तैयार हो गए तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गिव अ फैंटास्टिक एंड फैबुलस स्पीच दैट आर गोइंग टू इंस्पायर पीपल वेयर एवर यू आर गिविंग दैट स्पीच। तो उसको आपको तैयार करना है, ठीक है, आपके फोकस को आपको शिफ्ट करते रहना है। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आपकी पूरी स्पीच ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक जगह रह के आपको स्पीच नहीं देनी है, एक पोस्चर में आपको आपकी स्पीच नहीं देनी है, चेंज योर पोस्चर। आपका अगर आप कोई तगड़ी बात बोलने वाले हो तो आपके पोस्चर को आप ऊपर ले जाओ, अगर आप कोई छोटी बात बोलने हो तो आपके पोस्चर को नीचे ले जाओ, अगर आप नॉर्मल बात बोल रहे हो तो नॉर्मल बोलो। और एक जगह से जहाँ जहाँ भी आपको जगह मिले स्टेज पे वहाँ वहाँ जाके कवर करो। उससे क्या होगा कि हर एक बंदे को आप कवर कर सकते हो आपकी स्पीच में। और अगर उनको कवर कर लिया ना, हर एक बंदे को टच कर दिया, तो आपकी स्पीच हर एक बंदे को पर्सनली इंस्पायर करेगी, पर्सनली वो अपने आप से रिलेट करेंगे। तो आपके वो एक जगह खड़े होकर स्पीच नहीं देनी ऐसे करके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ विशाल रघुवंशी एंड आई एम हियर टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन। तो ऐसे नहीं करना है आपको, समझ रहे हो ना। आपको वो पूरी जहाँ भी आपके पास जगह है वहाँ वहाँ जाके आपको स्पीच देनी है। और एक बार आपने स्पीच दे दी ना, ऊपर धीरे धीरे आप हर बार जो मैंने ये सारी बातें बताई हैं, इन सारी बातों को दोहराओ, प्रैक्टिस करो। तो जितनी ज़्यादा आप ये सारी बातों को अप्लाई करोगे ना, हर बार की ये सारी बात आप हर प्रेजेंटेशन में, हर स्पीच में आप तैयार करो, आपका फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है ना, कभी भी नहीं रहेगा। आप उसके लिए तैयार रहोगे, बहुत शानदार स्पीच आप डिलीवर करोगे, लोग आपको से मोटिवेट होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे अगर आप जिस सारी बातें करते हो। आपके मतलब जो भी आपका टॉपिक है ना, उसको क्लियर रखो, अब मैं क्या समझाने वाला हूँ लोगों को, तो ये क्लियर रखो कि आपके मतलब एक मेन लर्निंग तो होनी चाहिए आपकी इससे। ऐसी नहीं कि कुछ भी बोला है, कहानी सुनाया है और उसका कंक्लूजन दे के नहीं आया। तो एक बोनस टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि आप जो भी बोल रहे हैं ना, उसका कंक्लूजन क्लियर रखो, टू द पॉइंट बात करो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर रह जाओगे। And the most important thing that I'm going to tell you, ready? Are you ready? The last and most important thing, that practice. जितनी ज़्यादा आप practice करोगे ना, उतनी शानदार और ज़बरदस्त आपकी presentation हो जाएगी। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, आपको practice करनी है आपकी speech को, एक बार करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है, बार बार करना है, जिससे कि आपकी presentation एकदम मतलब लोगों को टू द पॉइंट लगे और वो हमेशा के लिए आपकी प्रेजेंटेशन को याद रखें कि भाई साहब प्रेजेंटेशन देना हो तो उसकी तरह दो, लोग आपको उनसे रिलेट करें, आपको पर्सनली रिलेट करें, हाँ बंदा सही बोल रहा है। तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी शानदार और ज़बरदस्त और फैंटास्टिक और फेबुलस आपकी प्रेजेंटेशन होने वाली है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए होगा। प्रैक्टिस मोर, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, नो, प्रैक्टिस मेक्स यू परमानेंट। आप जो भी कर रहे हो ना, अगर आप में उस चीज़ से रिलेटेड प्रैक्टिस करते रहना, आप परमानेंट रहोगे और परफेक्ट तो आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।